बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन मलिक और आप देख रहे हैं हसन मलिक के बी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है और ये नीचे वाली जो पट्टी है इसका नाम क्या है, याद है आपको, मैं बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कंप्यूटर बंद होता है तो आप अपने सिस्टम यूनिट वाले बटन को जोर देते हैं और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। आपके पास ये डिस्टर्ब नजर आता है और ये नीचे वाली पट्टी होती है और इस पर नीचे जो आइकन खड़े होते हैं और यहाँ पर ये दो आइकन हैं, दिस पीसी और रिसाइकल बिन। विंडो मेरे पास विंडो 10 है और अगर आपके पास विंडो 7 है तो उस आपके पास लिखा हुआ होगा माय कंप्यूटर। यहाँ पर ये रिसाइकल बिन है, ये सारी जो स्क्रीन है ना इसको हम डिस्क टैप बोलते हैं और ये नीचे वाली पट्टी जो होती है इसको हम टास्क बार कहते हैं। और यहाँ पर पहले वाला ये जो कंप्यूटर में नजर आ रहा है इसको हम दिस पीसी का नाम देते हैं और ये नीचे जो है इसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। और यहाँ पर ये दो हैं, ये मैंने खुद खड़ा है, ये मेरी पिक्चर्स खड़ी है और ये एक फोल्डर है। और यहाँ पर ये जो आपको नीचे बटन नजर आ रहा है स्टार्ट का, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप विंडो 10 में आपके पास ये पावर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को स्लीप कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास पिक्चर्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपका अकाउंट जो होता है वो है। और यहाँ पर ये जो सारा कुछ आपका नजर आ रहा है, ये एप्लीकेशन हैं जो आपने यहाँ पर इंस्टॉल किए होंगे, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने इंस्टॉल किए हैं, ताजे ताजे जो इंस्टॉल किए हैं वो यहीं पर खड़े हैं। बाकी जो मैंने इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर ये तरतीब में आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर ए जो है ए के नाम से जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ए की लिस्ट में आ जाएंगे और बी के नाम से बी की लिस्ट में आ जाएंगे, सी वाले सी की लिस्ट में, और यहाँ पर सा सा डी और एफ जी एच सारे सेम सारे आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सही लगता है तो आप उसको बार बार यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। आप टास्क बार पर इसको खड़ाना चाहते हैं तो आप इस पर फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको मोर पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको पिन टू टास्क बार मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ पर भी आ चुका है ये। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप टास्क बार पर खड़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर खड़ा देते हैं। ये देखें, मेरे पास एक मालवेयर बाइट्स खड़ा है, ये एंटीवायरस है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको ये सही नहीं लगा, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनपिन फ्रॉम टास्क बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ पर इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करेंगे इस पर, इसको अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे। डिस्टैप है और यहाँ पर ये हमारी टास्क पट्टी है, ये डिस्टैप है और ये टास्क बार है, ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको टास्क बार बोलते हैं। ये स्टार्ट का बटन है और ये सर्च है, सर्च का टाइप हार्ड टू सर्च, और ये मेरे पास गूगल इंस्टॉल हुआ पड़ा है। और यहाँ पर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और ये एप्लीकेशन सारी मैंने आप खड़ी है। यहाँ पर आप डिस्टैप जो है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इस पर करेंगे तो आप अपने डिस पीसी में पहुंच जाएंगे। ये देखें, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर टूल बार पर जाते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एड्रेस को खत्म कर देते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जो ये आपको सर्च वाला बटन मिल रहा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको हिडन कर देता हूँ, यानी कि छुपा देता हूँ इसको। ये देखें, ये खत्म हो चुका है, फिर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्च वाले बटन जाते हैं, यहाँ पर हम शो सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये बड़ा सर्च वाला बटन आ चुका है, यहाँ पर हम कोई चीज भी सर्च कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और सर्च वाले बटन पर जाएंगे और यहाँ पर हम शो सर्च हाईलाइट इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये एक और बॉक्स आ गया, यहाँ पर हम फिर राइट क्लिक करेंगे और सर्च वाले बटन जाएंगे और यहाँ पर हम शो सर्च आइकन इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये वापसी आ गया, यहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर आप कोई फ्लैश वगैरह लगाते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, अगर कोई चीज़ अपलोड होती है तो आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखें, मेरे पास मैंने सार को खत्म किया हुआ है फिलहाल, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन, ये देखें, ये बता रहा है नो न्यू नोटिफिकेशन और यहाँ पर ये आपको डे शो करवा रहा है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें, आज 3 तारीख है, 10:48 है और यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन है ना आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पाकोड 2 इंस्टॉलर इंस्टॉल है तो ये आपको शो करेगा, वरना ये नहीं शो करेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको उर्दू पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें, ये आ गया उर्दू वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम कोई चीज अगर मैं टाइप करूंगा, ये देखें, मैं इस पर अगर कोई टाइप करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें उर्दू में टाइप हो रही है सारा कुछ। इंग्लिश में करेंगे तो ये देखें जी, ये देखें, ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है हमारे पास। तो ये मेरा माइक लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास अगर ये मेरा कंप्यूटर है तो इसमें अल्फा नेटवर्क लगाया हुआ है तो इसलिए ये मेरे पास शो करवा रहा है, वरना ये शो नहीं करवाएगा। तो ये हमारी
वॉइस होती है बोर्ड की, और यहाँ पर ये आपको शो हिडन आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसका। ये टास्क बार की आप सेटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप लॉक टास्क बार करते हैं तो ये यहाँ देखें, ये हमारे पास ये ऊपर नीचे ये नहीं हो रही, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और लॉक द टास्क बार इसको अनटिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं उठा के इस पर करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी आ जाएगी और ऊपर भी आ जाएगी और इस साइड पे भी आ जाएगी। और फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इसको लॉक करता हूँ, ये देखें ये फिलहाल नहीं आ रही हमारे पास, ये ऊपर नीचे फिलहाल हमारे पास ये नहीं हो रही। और जब आप कंप्यूटर ऑन करें तो अपने कंप्यूटर को एक दो बार या 5-6 बार रिफ्रेश कर लें, एक दो बार आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लें, ये देखें ये रिफ्रेश है ना, यहाँ पर आप क्लिक करें रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश का मतलब होता है कि तरोताजा करना कंप्यूटर, अगर आप ताजा ताजा चलता है ना तो इसको आप रिफ्रेश कर दें तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और आप ये माउस से राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश का, और यहाँ पर आप कीबोर्ड से F5 दबाते हैं फिर भी आपका ये जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश होने लग जाता है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम।